नमस्कार, गुड आफ्टरनून और अभिवादन मित्रों। देखिए कि जो हमारे इशाकदार साहब हैं उनकी कुछ नई अपडेट्स आपको देता हूं मैं, और उससे मुतलक फिर और बातें आपको बताता हूं ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस नज़रिए से भी कि आखिर इस किस्म के स्टेट को जिसको एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया गया और चलाया जा रहा है, उसमें उसके डिफॉल्ट होना क्यों लगभग तय है। देखिए, इशाकदार साहब ये कह रहे हैं इस वक्त, पिछले 2 दिन से वो कहते हैं कि जो जो पाकिस्तान है उसके साथ में जियोपॉलिटिक्स की जा रही है। कई ऐसे मुल्क हैं, इसदार का कहना है, कई ऐसे मुल्क हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, और यही वजह है कि आईएमएफ के साथ उनकी कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ आईएमएफ की ऐसी ऐसी की तैसी इनकी कर रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान की आईएमएफ ऐसी की तैसी कर रहा है, यानी एक अदद 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त के लिए उसने ना कुछ अने चबवा रखे हैं, जिसको हमारे मुहावरे में कहा जाए। तो क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? अगर हाँ, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आईएमएफ की है या पाकिस्तान की भी है? कुछ तो जिम्मेदारी पाकिस्तान को भी देनी होगी ना अपने ऊपर। तो आखिर सारी जिम्मेदारी इस बारे में आईएमएफ को दी जाए, ये तो ठीक नहीं। तो पाकिस्तान की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। खैर, तो क्या मौजूदा हालात में बेहतर होता कि पाकिस्तान अपने खर्चों पर कंट्रोल करता? क्या यह बेहतर नहीं होता, और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेहतर अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाता, अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर बनाता, कंट्री में अपने इकोनॉमिक बिजनेस माहौल को बेहतर बनाता, जिसको कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस की बात करता? वो सब तो नहीं हुआ। तो जब सब कुछ एक तबके के लिए, इलीट क्लास के लिए किया जाएगा, तो उससे कंट्री की इकोनॉमी पर तो कोई बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता। खैर, एक कंपैरिजन का छोटा सा खेल खेलते हैं, और शायद इस खेल में हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, यूके जिसको हम कहते हैं, अब यूके में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, और अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूके उत्तराखंड, वो सब गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मुझे यूनाइटेड किंगडम बोलना पड़ता है ताकि सब वाहिर है, या फिर इंग्लैंड। तो जनाब, यूनाइटेड किंगडम जिसने हमारे इस खत्ते पर लगभग 200 साल तक राज किया है, एक तवील अरसे तक तमाम जुल्म सहकर खत्ते ने अपनी आजादी पाई। लेकिन अगर आज के ब्रिटेन का मुआवजा आप करें, पाकिस्तान के साथ में कंपैरिजन करें, तो आपको बहुत सारी बातें हैरान करने वाली मिलेंगी। उन बहुत सी बातों में से एक बात का रेफरेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, और वो रेफरेंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक एक खास विभाग का, जिसका नाम है गवर्नमेंट कार सर्विस। ये और कुछ नहीं, बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कारों का एक पूल है, यानी कि इंग्लैंड की जो कैबिनेट है, जो जो सरकार है, मतलब सरकारी कामकाज करने के लिए जो एक कारों का पूल बनाया गया है, उसका उसे कहते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कारपूल। तो इसका इसका नाम दिया गया है गवर्नमेंट कारपूल, गवर्नमेंट कार सर्विस, है ना? तो ये गवर्नमेंट का कार सर्विस का ऑफिशियल नाम है, पर बेसिकली ये अपने आप एक उन कारों का पूल है सरकार का, जिनसे ब्रिटेन की सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। इसके अलावा उनकी कोई गाड़ियां सरकारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है। तो इन इन गाड़ियों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, मंत्री, स्पेशल एडवाइजर या जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पूरे यूनाइटेड किंगडम को सब करने वाली गवर्नमेंट के इस्तेमाल के लिए आने वाली कारों की संख्या कितनी है भला? गौर से सुनिए, 86, 86, सिर्फ 86, 86। ये मुल्क यूनाइटेड किंगडम डेवलप कंट्री कहलाता है, दुनिया के पहले 10 मुल्कों में आता है, जिस गिनती होती है, शुमार होता है पहले 10 मुल्कों में। एक वक्त पर आधी दुनिया पर राज करने वाली ये कौम है। कहते हैं कि एक जमाने में इसके राज में सूरज नहीं डूबता था। और जनाब, उस गवर्नमेंट के पास में सरकारी कामकाज करने के लिए टोटल 86 कार्स हैं। याद रहे, ये कारें सेंट्रल गवर्नमेंट के एक विभाग यानी गवर्नमेंट कार सर्विस की हैं, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में
जहां कॉन्स्टिट्यूशन की 18th अमेंडमेंट के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड हो गया है और स्टेट्स अपने डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, इंडिपेंडेंट है। जी, हम उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो इस समय सारन डेप्ट डिफॉल्ट के किनारे खड़ा हुआ है। हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसके मिनिस्टर्स पब्लिक एड्रेसेस में भी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। ऐसे कंट्री की में जरा आप कल्पना कीजिए। अरे यार, कंप्यूटर भी कभी कभी तंग करता है। तो ऐसे कंट्री के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी कारें होंगी, जरा अंदाजा लगाइए। मतलब पाकिस्तान में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी बड़ी है, टोटल 14 किलोमीटर की, इस्लामाबाद का इलाका है ना। तो उनके कामकाज के लिए आप कल्पना कीजिए कितनी गाड़ियां होंगी उनके पास। मैं फिर याद दिलाता हूं, इंग्लैंड के पास 86 कार्स तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करने के लिए। ये यहां पाकिस्तान में 14 किलोमीटर की टेरिटरी में काम करने के लिए जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास गाड़ियां हैं जनाब 90,000, 86 90,000। याद रहे, ये गाड़ियों की संख्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग। पाकिस्तान में 5 स्टेट हैं, उन 5 स्टेट्स के पास जो अलग गाड़ियां हैं सो अलग, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 90,000 गाड़ियां। तो एक और तथ्य जान लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मौजूद 90,000 गाड़ियों के लिए एनुअली सालाना 50 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाते हैं, 50 अरब सिर्फ पेट्रोल पर। कहने को पाकिस्तान मैं क्या कहूँ। अच्छा ओके ओके चलिए, लास्ट चार सालों में सिर्फ इन 90,000 गाड़ियों में पेट्रोल के लिए 220 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हो चुके हैं, 220 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जा चुके हैं 4 साल के अंदर अंदर। कहने को पाकिस्तान गरीब मुल्क है जनाब, एक गरीब मुल्क है और डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। और सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 34 मिनिस्ट्रीज हैं, 38 मिनिस्टर्स, 34 मिनिस्ट्री, 38 मिनिस्टर। इस कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर भी शामिल हैं, जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हैं, 34 हैं तो इधर 38 मिनिस्टर हैं, तो कुछ तो इससे होगा ना। तो गड़बड़ क्या हो रही है कि कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं, लेकिन उनको सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के मिलने वाली तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो उनका फायदा उठा रहे हैं। मिनिस्ट्री नहीं है तो काम नहीं है, मस्त है बैठे हुए। इसके अलावा सेंट्रल के पास जनाब 212 इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, सफेद हाथी हैं। कैसे, PIA, स्टील मिल्स और इसी तरह के 212 कुल इंस्टीट्यूशंस। तो इन इंस्टीट्यूशंस पर जनाब खरबों पाकिस्तानी रुपए खर्च होते हैं सालाना, खरबों। बदले में पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलता क्या है, कपिल शर्मा की भाषा में कहा जाए बाबा जी का ठुल्लू, यानी जीरो। तो अभी और सुनिए जनाब, अकेले बिजली का सर्कुलर डेप पाकिस्तान में कितना है, 2500 अरब पाकिस्तानी रुपए, 2500 मतलब 2500 अरब रुपए। ये है अकेले बिजली का, आगे चलिए अभी खत्म नहीं हुआ। LNG का सर्कुलर डेप है 1500 अरब पाकिस्तानी रुपए, यानी 1500 अरब पीके पाकिस्तानी रुपए। अगर आप दोनों को मिलाएं, यानी कि 2500 और 1500 दोनों को मिलाया जाए तो ये 4000 पाकिस्तानी रुपए का सर्कुलर डेट सिर्फ बिजली और गैस का है। सिर्फ बिजली और गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 4000 पाकिस्तानी अरब रुपए है, अरब पाकिस्तानी रुपए, 4000 अरब पाकिस्तानी रुपए। तो अब देखिए, 4000 अरब का ये कर्ज भी अजीब है, यानी बड़ा स्ट्रेंज है। जरा देखिए, न तो आप कह सकते हैं कि ये 4000 अरब पाकिस्तान को लेने हैं, ना आप कह सकते हैं ये पाकिस्तान को देने हैं। ये बस ये बोझ है, ये बोझ है जो पाकिस्तानी अवाम पर रख दिया गया, धर दिया गया उनके ऊपर। ये तमाम डेटा मेरा या आपका नहीं है, ये डेटा है
सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कॉल्ड पाकिस्तान का, जो इस समय इस वक्त डिफॉल्ट कर सकता है किसी भी वक्त। पाकिस्तान में एक और संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है पास्को। इसका काम क्या है जनाब, कि ये मुल्क भर से गेहूं खरीदता है, और गेहूं खरीदने वाला ये इंस्टीट्यूशन इस वक्त 1,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्जदार है, घाटे में। पूछो कैसे घाटे में? ये इंस्टीट्यूशन 1,000 अरब रुपए के घाटे में है। और क्यों है घाटे में, कि इसका काम क्या है आपको समझना होगा ना, ये गेहूं खरीदता है, यानी किसानों से गेहूं खरीदता है। इसलिए गेहूं खरीदता है ताकि पाकिस्तान में कभी फूड शॉर्टेज ना आने पाए। तो अब क्या कहा जाए, मतलब इसके लिए पाकिस्तान क्या, मतलब पास्को ने गेहूं खरीदा, तो फिर पास्को ने किया क्या उस गेहूं का? उस गेहूं को खरीदने के बाद उसको चूहे खाते हैं जी, आदमी नहीं खाते, उसको चूहे खाते हैं। या रिकॉर्ड से भी बताते हैं कि उनकी खरीदी वीट वेस्ट हो रही है, यानी फंगस लग रही है उनमें, है ना, फफूंदी, जिसको हम फफूंदी कहते हैं हिंदी में, फंगस लग रही है उनको। या लो जी, फ्लड आया, बह गया, खत्म। पीठ पीछे क्या होता हो मैं नहीं जानता, यू नो पाकिस्तान है, मगर ये ऑन रिकॉर्ड है जो बता रहा हूँ आपको मैं। जरा कल्पना कीजिए, 14 किलोमीटर में बसे कैपिटल एरिया को सर्व करने वाली गवर्नमेंट, मतलब वो कैबिनेट, गैर सरकारी कैबिनेट में 78 मिनिस्टर हैं, 78, 78, 14 किलोमीटर का एरिया है जहां सर्व कर रही है, और वो कर क्या रहे, सरकारी गाड़ियों में घूम रहे, आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां। इसके अलावा जेब में अरबों का पाकिस्तानी रुपए का फंड पड़ा हुआ है, यानी दुनिया मेरी जेब में। इतने मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स होने के बाद भी अगर आप किसी मिनिस्ट्री को एक लेटर लिख दें पाकिस्तान में, तो आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से इंतजार में गुजारिए, जवाब नहीं आने वाला। आपकी एप्लीकेशन पहले किसी क्लर्क को मार्क हो जाएगी, फिर दूसरे क्लर्क को मार्क हो जाएगी, उससे सीनियर वाले को मार्क हो जाएगी, और घूमते फिरते एक दिन वो पहुंचता है कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच जाए, और फिर वो एप्लीकेशन कोई हल नहीं निकाल देगी कैबिनेट सेक्रेटरी पास पहुंच के, फिर वो उसको रेफर कर दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को या लॉ मिनिस्ट्री को, और एक दिन यूं ही, यू नो, या तो आप खत्म हो जाएंगे इंतजार करते करते, या तो आप खप जाएंगे, या ये, मगर ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं रेफर होती रहेगी आपकी चिट्ठी, घूमती फिरती फाइल मोटी होती रहेगी। तो ये भी हो सकता है कि आप एक कागज की पिटीशन दें, और वो एक कागज की पिटीशन, एक जो फाइल बनाई जाए उस कागज के लिए, वो इतनी मोटी हो जाए, इतनी मोटी हो जाए कि यू नो पूछिए मत। और आखिरकार उस मोटी फाइल को निकाल के जब आप देखें, तो आपको सारी बात का क्रक्स क्या मिलेगा, कि साहब ये सब्जेक्ट जो है वो हमारी डोमेन का नहीं है, इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जनाब ये है वो अपडेट जो मैं आपको छोटा सा देना चाहता था, कि आखिर ये स्टेट फेल क्यों हो रहा है। आप जरा ये खर्चे देखें, शाही खर्चे देखें। अभी आप अगर देखें कि ऑस्टेरिटी मेजर जो पीछे आईएमएफ ने इनको बताए थे, पाकिस्तान सरकार को, उस कैबिनेट, उस कमेटी को शहबाज शरीफ ने बड़े प्यार से बनाया, ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी कमेटी को। आप उसके ऑस्टेरिटी कमेटी की गाइडलाइंस को देखिए, और प्रैक्टिकली जो रोज हो रहा है सरकार में उसको देखिए, आप सर पीट लेंगे। यानी कि उसकी रिकमेंडेशंस को लिटरली मैं क्या कहूँ, मतलब चूल्हे में डाल दिया गया है, कोई मतलब नहीं है उन रिकमेंडेशंस का जो ऑस्टेरिटी कमेटी ने दी थी। ऑस्टेरिटी कमेटी ने कहा कि आप यू नो कितने, 20 20 35 लोगों की या 40 लोगों की कैबिनेट बनाइए। आपने कैबिनेट बनाई 80 लोगों की। जिस दिन कैबिनेट ने आपको, जिस दिन ऑस्टेरिटी कमेटी ने आपको रिकमेंडेशन दी, आपने उसी दिन 3 मिनिस्टर और भर्ती कर ली। यानी सीधे से ठेंगा दिखा दिया कि तुम जो मर्जी लिखते हो, करना हमने वही है जो हमारे दिल में। तो ऐसी स्टेट को वही होना चाहिए जहां वो आज पहुंची हुई है। ऑनेस्टली इसमें ना आपको सरप्राइज होने की जरूरत है ना मुझे। कई बार जो हमें सिंपथी होती है, मुझे भी होती है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा मेरी बातों से, वो सिंपथी सिर्फ कॉमन पब्लिक के लिए होती है, लेकिन वो कॉमन पब्लिक की सिंपथी भी एक लिमिट तक ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को भी तो अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है, तभी जाकर सरकारें बदलती हैं।
मुझे नहीं मालूम कि वो पॉलिटिकली कितनी अलाइव कॉम है नहीं है। जो जो तमाशा हम देख रहे हैं वो दरअसल कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मैंने आज सवेरे भी आपको बताया था और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये गवर्नमेंट अगस्त में, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगस्त में ये अपना बोरिया बिस्तर बांध कर सरक जाएगी नेशनल असेंबली को डिजॉल्व करते हुए, और लाएगी अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट जो साल 1.5 साल तक खींच खाच काम चलाती रहेगी जैसे भी चलना हो। तब तक से लोग बोलेंगे कि नवाज शरीफ ने क्या किया था, नहीं किया था। एक एक कई लोग टपक जाएंगे, कई लोग न जाने क्या होगा, साल 1.5 साल बाद देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। सबके अपने अपने वीजे लगे हुए हैं बाहर के, सब अपना साल 1.5 साल मजे करेंगे, छुट्टी करेंगे, क्यों बेकार में इस गंदगी में फंसे रहेंगे। और जीवन में शांति बनी रहेगी, शांति बहुत जरूरी है जीवन में और अब इस तरह के आजकल, वैसे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोगों को पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने का बड़ा शौक चल रहा हुआ है, तो वो लोग ब्रेक लेके लंदन जा सकते हैं। एक साहब देखिए आप, परवेज लाहे के बेटे, वो स्पेन में बैठे हुए हैं, क्या बढ़िया स्टाइल में कॉफी पी रहे हैं, पिताजी जेल में चल रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, अब्बा हजूर जो है ना उनके सड़ रहे हैं जेल में। तो यही यही सब है। परवेज लाहे को भी शायद मालूम था कि ये होने वाला है, इसीलिए बेटा बाहर निकल गया, निकाल दिया गया। तो खैर दोस्तों, ये था छोटा सा अपडेट, और आप अपने कमेंट से ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस स्टेट का, पाकिस्तानी स्टेट का, इससे बेहतर कुछ हो सकता था गिवन द कंडीशंस जो मैंने आपको बताई। अगर एक स्टेट को इस तरह से रन किया जा रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया, तो और आप क्या ऑप्शन निकालते हैं इसमें से, और बेहतर क्या हो सकता था, क्या अल्टीमेटली इसको घूम फिर कर यही नहीं आना था जहां आज वो पहुंचा हुआ है। इंतजार करूंगा मैं आपसे सुनने का, आप कमेंट्स को सुनने का, आपकी राय को सुनने का, और फिर हम लोग अपनी बातचीत को और आगे जारी रखेंगे। मिलता हूँ आपको शाम को एक बार फिर से, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं तब तक किया हुआ सब्सक्राइब चैनल को। बाय बाय फॉर नाउ।